आज खाने में बना है बैगन का भरता और दाल। मैं जैसे कि आपको बताया कि हम लोग अभी प्लेन ही दाल खा रहे, तो प्लेन दाल बनाई है। उसके बाद चावल बनाए हैं, वो भी प्लेन राइस ही बनाया है, वाइट राइस, और रोटी बनाई है। तो बस इतना ही आज लंच में बना है। तो ये माही शूट कर रही है, एक्चुअली माही का हाथ है ये। गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज, काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, बट थोड़ा सा समझ जाइए क्योंकि घर पे काम चलता है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, और ऊपर से बाकी के काम भी रहते हैं तो इसी वजह से। और हाँ, नीचे वो कारपेंटर वगैरह आ गए हैं, तो मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ कि क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे उन्होंने निकाल के रखा है, क्या क्या हो रहा है। तो नीचे चलते हैं, नीचे चल के आपको दिखा। तो ये कारपेंटर है हमारे, ये बना रहे हैं यहाँ पर। एक शेल बताई है मैंने बनाने के लिए। तो ये एरिया आप लोगों को पता ही है कौन सा है। तो ये यहाँ पर वॉशिंग मशीन रहती थी मेरे पहले साइड में, और उसके बाद वहाँ पर ही साइड में एक उसके लिए है, बेसिन के लिए जगह है। तो ये आपको पाइप दिख रहा है, ये बेसिन के लिए जगह है, और उसके बाजू में मेरी वॉशिंग मशीन रहती है। तो यहाँ पर ही मैंने एक शेल्फ बनाने के लिए बोली है। और यहाँ पर मंदिर बन रहा है, तो उस इलेक्ट्रिशियन आए थे, वो इलेक्ट्रिशियन भैया को मैंने वहाँ पर एक बोर्ड बनाने के लिए बोला है एक्स्ट्रा वाला, मतलब जो मंदिर का कनेक्शन है वहाँ पर देंगे, और जो POP के लाइट्स का कनेक्शन है वो भी वहाँ पर देंगे। तो इसीलिए एक्स्ट्रा का बोर्ड बनाने के लिए बोला है मैंने वहाँ पर उन्हें, तो वही बना रहे वो। और यहाँ पर पूरा गलाठा पड़ा है, और स्टोर रूम का भी गलाठा वहाँ पर लाके रखा है, मतलब जो स्टोर रूम के डिब्बे विब्बे ये जो है वो सारा यहाँ पर लाके रखा है, क्योंकि स्टोर रूम में भी फर्नीचर बनने वाला है। तो इसी वजह से ये स्टोर रूम खाली करके दी है उन्होंने। और वो जो पेंटर भैया थे, उन्होंने थोड़ा सा स्टोर रूम को वो जो पुट्टी उट्टी है वो घिस के दी है, तो वो सारा कुछ करके दिया है। तो अभी जो कारपेंटर है वो हमारे यहाँ पर फर्नीचर बनाएंगे, उसके बाद वो जो भैया है क्या बोलते हैं पेंटर, तो वो वहाँ पर कलर लगाएंगे उसके बाद। तो यहाँ पर बनने वाला है अभी फर्नीचर, मतलब पल्ले वल्ले बनने वाले हैं, तो पल्लों की वजह से ये डिब्बे ख़राब नहीं होंगे मेरे उसके बाद, तो धूल वगैरह नहीं बैठेगी इस पर। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बोर्ड बनने वाला है, उसी के चक्कर में ये पूरी धूल है, मतलब जो उन्होंने वो क्या बोलते हैं झरी मारी है, तो उसकी वजह से ये पूरी धूल सारे डिब्बों पर गई है, उसकी ही धूल, और ये पूरा गलाठा उसी की वजह से हुआ है। वो एक्स्ट्रा एक बोर्ड बनने वाला है वहाँ पर इसी वजह से, वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उससे पहले आप लिविंग रूम का हाल देख लीजिए। लिविंग रूम में ये कुछ चल रहा है, POP वाले भी भैया आ गए हैं, वो इलेक्ट्रिशियन भैया भी आ गए हैं, और साथ साथ वो पेंटर भी आ गए थे, वो पेंटर चले गए, और उसके बाद कारपेंटर वो भैया काम कर रहे हैं। तो ये सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है मेरा रहने वाला घर है करके। तो यहाँ पर ये TV यूनिट बनी है, तो इसका फाइनल लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बट एक दो दिन और वेट करना पड़ेगा आपको। इसके बाद का जो व्लॉग आएगा उसमें आपको इसका फाइनल लुक देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा गलाठा पड़ा है, और POP वाले भैया थोड़ा सा POP का टचअप बाकी था वो कर रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रिशियन भैया है वो भी जो POP में लाइट्स वगैरह नहीं लगाते हैं वो लगा रहे हैं। उसके बाद वो जो लाइटिंग लगती है वो लगाएंगे, और अभी चल रहा है उनका काम, वो नया बोर्ड बन रहा है उसका काम चल रहा है। और ये है मेरी सीढ़ियाँ जो आईने जैसी चमकती थी, तो अभी देखिए ये इस पर इतनी धूल है कि सीढ़ियाँ भी नहीं दिख रही है। तो ये चलते हैं हम ऊपर, और ये नीचे का नज़ारा देख लीजिए एक बार। और यहाँ पर ना मैंने ये तिल धो लिए थे, और तिल मैंने सुखाने के लिए डाल दिए थे, तो पूरे अद्विक ने नीचे गिरा दिए वो तिल, मतलब ऐसे ही करता है वो, बच्चा है, बच्चे तो ऐसे करते ही है। तो यहाँ पर तिल मैंने सुखाने के लिए डाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा तिल में ना वो कीड़े दिख रहे थे मुझे, ऐसा लग रहा था कि ये तिल ख़राब हो जाएगी पूरे, इसी वजह से मैंने पूरे धो लिए और उसको सुखाने के लिए डाल दिया, क्योंकि वहाँ पर सारे डिब्बे डिब्बे हैं, और किस चीज़ में होंगे वो कीड़े, तो वो तिल में भी चले गए थे, तो इसी वजह से वो तिल में हो गए थे। अभी कुछ दिनों से वो ऐसे ही पड़े थे, तो मुझे तिल का डिब्बा आगे दिख गया, तो मैंने उसको धो दिया और अभी सुखाने के लिए डाल दिया। पता नहीं अभी इसको भूनना पड़ेगा पहले, और उसके बाद यूज़ करना पड़ेगा। क्या लग रहा है? चकमा। चकमा? क्यों? क्योंकि इनको पापा को मेरे अद्विक की न्यू हेयर कट, न्यू हेयर कट अद्विक की। हाँ। अंकल ने कर दिए। हाँ, दूर दूर जाओ थोड़ा सा, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाके दिखाओ। अरे वाह। अरे ताला दे दी कुड़ना। Mm-hmm.
अरे वाह, छान छान, मस्त। अद्विकला आता आंघोळ करायची आहे, है ना? अरे नहाना नहीं है क्या आपको? अभी आप दूर रहो ना, थोड़ा सा वहां पे रहो ना, बाद में नहीं, अभी नहाना है। अभी? हाँ, क्यों? क्योंकि वो बाल गिरे हैं ना आपके ऊपर। इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा सा यहाँ पे बीच में। हाँ देखो, बाल गिरे हैं ना, चुभ रहे होंगे ना। नहीं। फिर कुछ भी नहीं हो रहा, इधर देखो, इधर तो देखो। अरे यार, इधर देखो ना मटकू। अरे वाह 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 वाह, अच्छा ये वाली हेयर कट। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, इसमें से निकाल के ये वाली जो है, ये वाली हेयर कट कराइए अद्विक की। देखो ये वाली हेयर कट, सेम टू सेम। अद्विक देखो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अद्विक अद्विक दिखाओ ना, एक मिनट अद्विक दिखाओ। ऊपर देखो बेटा, मामा की तरफ अद्विक। अरे वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, सेम टू सेम करके दिए उसने। अब अद्विक क्या बोल रहा है पता है? हाँ पापा, मैं तो बोल रहा आपसे भी अच्छा सुंदर दिख रहा है। हाँ सुंदर दिख ही रहे हो अद्विक आप। अद्विक बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो आप। चढ़ गया, लेकिन इधर तो देखो एक बार, अद्विक। अरे वाह वाह, चलो अभी नहला देती हूँ आपको। तो गाइज, मैंने अद्विक को नहला दिया था और उसकी जिद थी कि उसको उसकी दीदी के हाथों से ही रेडी होना है, इसी वजह से माही उसको रेडी कर रही है। आप पीछे देख सकते हो, वो सारे अद्विक के ही प्रोडक्ट्स हैं। और आप सभी को पता है मैं अपने बच्चों के लिए मामाअर्थ के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, और मामाअर्थ के प्रोडक्ट यूज़ करने के पीछे का रीज़न भी आपको पता है कि मैं क्यों मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ अपने बच्चों के लिए। क्योंकि ये केमिकल फ्री होते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, इसी वजह से इनके प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि ये जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है, तो वोकल फॉर लोकल। अभी आपको इंडियन ब्रांड से यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आपको सिचुएशन तो पता ही है अभी की कैसी है। तो मैं अद्विक को नहलाने के लिए यूज़ करती हूँ मामाअर्थ का ये डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज़। ये आपके बच्चों की स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। अभी अभी उसके पापा ने उसकी हेयर कट करा के लाई है, तो इसी वजह से मैंने उसको शैम्पू यूज़ किया है, ये मामाअर्थ का जेंटल क्लींजर शैम्पू फॉर बेबीज़। इससे आपके बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाते हैं। और उसके बाद मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ ये मामाअर्थ का नरिशिंग हेयर ऑयल फॉर बेबीज़। ये आता है विथ आलमंड एंड एवोकाडो ऑयल। ये आप 0 से 10 ईयर्स तक के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको 200 ml क्वांटिटी मिल जाती है और इसकी जो प्राइस है वो 399 rupees है। और अगर आपको इन तीनों प्रोडक्ट्स को परचेस करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हो। और अगर आप परचेस करना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, Kanchan20। इससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल जाएगा इस प्रोडक्ट पे मामाअर्थ की वेबसाइट पे। और ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मामाअर्थ की वेबसाइट पे, अमेजोन पे एंड फर्स्ट क्राई पे। प्रोडक्ट्स परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, और एक्स्ट्रा 20% ऑफ के लिए मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर लेना, Kanchan20। For jeep. K for jeep. K for
बरोबर आहे. रेड म्हणजे ऍपल. नाही तो तो खालचा कलर कोणता आहे अद्वी? वो कौन सा कलर आहे? हा. और येलो कलर म्हणजे ढूंढलूंगा. बरोबर. मैंगो का कलर येलो होता है. अच्छा ठीक है. और वो नीचे का कौन सा कलर है वो? अरे वाह वाह वाह. चिली. और वो नहीं आता अद्विक को. नहीं आता. और वो नीचे वाला वो कौन सा है? और नीचे वो गाजर. ऑरेंज कलर का रहता है. बराबर है माही उसका. हाँ. और नीचे ग्रेप्स वाला. बराबर है. बैगन का कलर है वो? बैगन ही. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. और वो कलर पिंक. लेडीज का मतलब पिंक. अच्छा नीचे हाँ ऑरेंज. नहीं वो जो दूसरा कलर है व्हाइट. रैबिट. व्हाइट से रैबिट होता है. अद्विक आपने बताया नहीं पास्ता कैसे बनाया है. और माही पसंद आया ना आपको? अद्विक को बहुत पसंद है पास्ता. और आपको? उससे भी ज़्यादा. आप अपना नहीं बता रही हो, अद्विक का बता रही हो. हाँ. इन दोनों की जिद थी उनको पास्ता ही खाना है करके, इसी वजह से मैंने आज ये पास्ता बना के दिया है इन्हें. और किस किस को पास्ता पसंद है कमेंट करके जरूर बताना मुझे. अरे आपको तो पसंद ही है. आपको और दीदी को तो पसंद ही है. बाकी लोगों को पसंद है कि नहीं कमेंट करके बताना बोला मैंने. हाँ. अद्विक के जैसे किसको किसको पास्ता पसंद है? मुझे तो इसमें नंबर में कुछ भी अद्विक. चलो हाय बोल दो दोनों भी. ये ड्यूटी चले गए हैं. अभी मुझे आपसे बात करने के लिए टाइम मिला है तो मैं सोच रही हूँ चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ. आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. इसके साथ दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो. दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा. आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो. तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपसे. टिल देन बाय बाय. टेक केयर एंड लव यू ऑल.